दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडियन सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR रिलीज हो चुकी है और लोगों के बीच इस फिल्म की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि रिलीज होने के सिर्फ एक ही हफ्ते में इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 710 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। कमाई के मामले में ये फिल्म हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। असल में बाहुबली सीरीज के बाद ये SS राजामौली की पहली फिल्म है जिसमें साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार NTR जूनियर और रामचरण ने लीड रोल निभाया है। तीन चीजें जो इस फिल्म को इतना ज्यादा खास बनाती हैं, वो हैं फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली, फिल्म की जबरदस्त स्टार कास्ट और फिल्म की स्टोरी जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। दरअसल इस फिल्म में NTR जूनियर और रामचरण ने दो रियल फ्रीडम एक फाइटर का किरदार निभाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको RRR की इसी रियल स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, राइज और रिवोल्ट यानी RRR फिल्म की कहानी हिस्टोरिक कैरेक्टर्स अल्लूरी सीताराम राजू और कोमा राम भीम के बारे में है, जो कि अपने समय में फ्रीडम फाइटर्स थे। फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण ने और कोमा राम भीम का किरदार जूनियर NTR ने निभाया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये दोनों कौन थे और इनकी रियल कहानी क्या थी। पहले बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की, जो कि ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी से ताल्लुक रखते थे। उनकी ये कहानी साल 1882 में उस समय से शुरू होती है जब ब्रिटिश राज के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया था। इस एक्ट के तहत वहाँ के लोकल आदिवासी लोगों के जंगल में जाने पर बैन लगा दिया गया था। ये आदिवासी लोग खेती के लिए जमीन का इंतजाम हर साल जंगलों के अलग अलग हिस्सों को जलाकर करते थे और फिर उस जमीन को पूरे साल खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। खेती करने के इस ट्रेडिशनल तरीके को पोंडू कहा जाता था, लेकिन जब ये जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आए तो उन्होंने इनका इस्तेमाल कमर्शियल रूप से करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि आदिवासी लोग जंगलों को जलाकर उनका नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आदिवासियों को जंगलों से दूर रखने के लिए 1882 में ये एक्ट पास करवा लिया। एक्ट के पास होने के 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के मोगल्लू गाँव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। उनके पिता वेंकट राम राजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और माँ सूर्य नारायण अम्मा एक सीधी सादी हाउसवाइफ थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से वहाँ के लोकल आदिवासी लोगों में गुस्सा तो था, लेकिन उस समय उनके हालात इतने खराब थे कि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। सीताराम राजू ने अपने माता पिता से अंग्रेजों के जुल्म की इस कहानी को सुनते हुए बड़े हुए थे और इसी के चलते उनके अंदर बहुत छोटी उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावनाएं पैदा हो गई। सीताराम राजू की उम्र जब 25 साल हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ लिया, जिसे रामपा विद्रोह का नाम दिया गया था। लड़ाई के लिए जब उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ती थी तो वे अंग्रेजों के पुलिस स्टेशनों पर छापा मार के उनके हथियार लूट लेते थे। दरअसल वे अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें पूर्वी घाट से खदेड़ना चाहते थे। इस लड़ाई के दौरान सीताराम राजू ने बहुत से पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे और हर बार छापा मारने के बाद वो पुलिस स्टेशन में एक लेटर छोड़ जाते थे जिसमें लूटे गए हथियारों का पूरा हिसाब लिखा होता था। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा होता था कि अगर उन पुलिस वालों में दम है तो वो उन्हें रोक कर दिखाए। ब्रिटिश पुलिस जब भी अपनी किसी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती तो सीताराम राजू और उनके साथी मिलकर उनको मौत के घाट उतार देते थे। ब्रिटिश फोर्स और सीताराम राजू के बीच ये लड़ाई 2 साल तक चलती रही। आखिरकार 7 मई 1924 के दिन चिंतपल्ली के जंगलों में एक लड़ाई के दौरान ब्रिटिश फोर्स ने सीताराम राजू को घेर लिया। ब्रिटिश सरकार उनकी मौत के जरिए क्रांतिकारियों के पास ये मैसेज भेजना चाहती थी कि उनसे जो टकराएगा उसका अंजाम यही होगा, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके पास के ही एक गांव को युद्ध में लाया गया और वहां पर उन्हें एक पेड़ से बांधकर आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। खैर, ये तो बात हुई फिल्म के एक किरदार अल्लूरी सीताराम राजू की। चलिए अब फिल्म के दूसरे कैरेक्टर कोमा राम भीम की कहानी जानते हैं। दोस्तों, कोमा राम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 के दिन संतपल्ली गाँव में रहने वाले गोंड ट्राइब के एक परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन ने इस ट्राइब के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दोस्तों, कोमा राम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 के दिन तेलंगाना के संकपल्ली गांव में रहने वाले गोंड ट्राइब के एक परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन में इस ट्राइब के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब, जिसके चलते कोमा राम भीम बचपन से ही कोई शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। उनका बचपन बड़ी ही मुसीबतों और दिक्कतों से गुजरा था, जहां उन्होंने अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदारों तक के अत्याचारों का शिकार बनते देखा था। दरअसल उनके ट्राइब के लोग जंगल में पोड़ू की खेती के जरिए जो भी फसल उगाते थे उसे हैदराबाद निजाम के लोग यह कहकर छीन लेते थे कि जिस जमीन पर उन्होंने ये फसल उगाई है वो उनकी नहीं है। इन अत्याचारों के खिलाफ भीम के पिता ने जब आवाज उठाना चाहिए तो उन ताकतवर लोगों ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। ऐसे ही एक बार अक्टूबर 1920 में जब गांव के लोग अपनी फसल की कटाई कर रहे थे तो तभी वहां पर निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी साहब और पटवारी लक्ष्मण राव उन्हें रोकने के लिए पहुंच गए। वे गोंड ट्राइब के लोगों के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरा मामला एक झगड़े में बदल गया और कोमा राम भीम के हाथों सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया। उसमें भीम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और
कुछ सालों तक वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के काम जैसे आसाम में चाय की खेती और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी आदि करते रहे। इसके बाद जब मामला शांत हो गया तो वे जोड़ेघाट नाम के एक गांव में शिफ्ट हो गए। इस गांव में उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया और अपने ऊपर सदियों से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। इस तरह भीम ने काफी सारे आदिवासी लोगों को अपने साथ जोड़कर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया जो 1928 से 1940 तक चला। इस लड़ाई में उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर निजाम और ब्रिटिश राज के लिए काम करने वाले जमींदारों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। जब निजाम को ये लगने लगा कि भीम की लीडरशिप में ये विद्रोह और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है तो उसने नेगोशिएट करने के लिए भीम के सामने एक ऑफर रखा कि वो सभी किसानों और आदिवासियों को उनकी जमीन का पट्टा वापस कर देगा और साथ ही खेती करने के लिए भीम को भी जमीन देगा। लेकिन भीम ने निजाम के साथ कोई भी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और अपनी उस लड़ाई को उसी तरह जारी रखा जैसे वो पहले चलाता था। ये लड़ाई 12 साल इसी तरह चलती रही। भीम जब निजाम के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था इसलिए निजाम ने उससे छुटकारा पाने के लिए करीब 300 सिपाहियों को जोड़ेघाट भेजकर उनकी गुरिल्ला आर्मी पर हमला करवा दिया और आखिरकार निजाम के इन सिपाहियों से लड़ते हुए भीम और उनके साथी सितंबर 1940 में शहीद हो गए। तो दोस्तों ये थी अल्लूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम के फ्रीडम स्ट्रगल की रियल कहानी। लेकिन SS राजामौली ने RR फिल्म में इस फ्रीडम फाइटर्स की रियल स्टोरी नहीं दिखाया है बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सिर्फ इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, जबकि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो पूरी तरह से फिक्शनल है। दरअसल SS राजामौली को अल्लूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम की पूरी कहानी पहले से पता थी और वो इन दोनों ही कैरेक्टर से काफी प्रभावित थे। साथ ही उन्होंने जब इन दोनों कैरेक्टर्स पर थोड़ी गहराई से रिसर्च की तो उन्हें इनमें काफी समानता भी मिली। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि सीताराम राजू और कुमाराम भीम सिर्फ थोड़े से समय के अंतराल पर लगभग एक जैसे ही माहौल में पैदा हुए। दोनों को कुछ सालों के लिए अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा। वापस लौटकर दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज और हथियार उठाए और दोनों ही अपने आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते शहीद भी हुए। अपने इंटरव्यू में राजामौली ने कहा था कि सीताराम राजू और कुमाराम भीम के फ्रीडम स्ट्रगल व विद्रोह की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन जब वो दोनों कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर रहे तो उस दौरान उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में कोई भी डिटेल या रिकॉर्ड्स किसी के पास नहीं है। अब ऐसे में राजामौली के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर उस पीरियड में इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती तो क्या होता, और बस अपने इसी कल्पना पर उन्होंने ये फिल्म बना डाली। बाकी दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।